एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो निकल गए हैं मार्केट के लिए और आज तो निकलना ही निकलना था। हाँ मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, आंधी तूफान आते तो भी निकलना होता, फिर कैंसिल कर देते खाली, विपिन जाते शादी में हम लोग ना जाते। लेकिन बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की हो रही है और जा रहे हैं। देखो बारिश, दोनों बच्चे पीछे हैं अपनी शॉपिंग के लिए एक्साइटेड है। हाँ गेट बंद है, बहुत ज्यादा खुश होते जैसे हम खुश होते ऐसे बच्चे खुश होते। अभी इन लोगों के मन में, तन्मय के मन में तो कुछ नहीं चल रहा होगा कपड़ों को लेकर, उसको तो कुर्ता पजामा दिखता है बस। और गुड्डू के मन में शायद चल रहा हो कि मैं ऐसे लूंगी वैसे लूंगी, बड़े बच्चों को रहता है, छोटे बच्चों को तो कुछ नहीं रहता इतना। और चलते हैं गुड्डू का जो है वहीं से वहीं हम वो भी करा लाएंगे, स्ट्रेटनिंग वगैरह जो भी करानी है वो करा देंगे। उसके बाल थोड़े से लंबे हैं तो मैं घर पे नहीं कर पाऊंगी उसके बाल ना वो कल तक, अगर कल कर भी दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बच्चे स्कूल से भीगते हुए आ रहे हैं, वैसे बारिश इतनी नहीं हो रही पर हल्की हल्की हो रही है, बीमार पड़ जाएंगे, ठंड गर्मी का यही होता है। चलो वही चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है, लग रहा है जाम क्योंकि बच्चों का जो है वो छुट्टी हुई है। अभी बोर्ड के बच्चे हैं ना ये, इनका सेंटर लगा होगा इधर क्योंकि बच्चे दूसरे स्कूल के हैं और स्कूल दूसरा है। भूख लग रही, खाना खाऊंगा भाई। हर्बर्टपुर से तुम्हें पता है, बट मेरा फ्रेंड है। तो हम लोग बर्फ़ी आए थे, जो दीप्ति जी हैं उन्होंने मुझे कई बार कमेंट किया बर्फ़ी रेस्टोरेंट के लिए और उन्होंने बिल्कुल सही बोला था कि प्योर वेज है और प्योर वेज ही ये निकला। हम लोगों ने मेन्यू कार्ड में भी देखा और मतलब इससे पहले भी विपिन ने अपने दोस्त वोस्त से पूछ लिया था लेकिन किसी ने बोला था कि नहीं है प्योर वेज, तो हम उस दिन नहीं आए थे। तो अभी आए तो प्योर वेज निकला। थैंक यू दीप्ति जी अगर आप देख रहे हो तो। और यहाँ देखिए सामने पहाड़ों पर कैसे बादल छाए हुए हैं ना, कितना प्यारा मौसम हो रखा है। पहाड़ों की तरफ तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा होगा, बहुत ठंड हो रखी होगी पहाड़ों में, हमारे इधर इतनी हो रही है तो ऊपर पहाड़ में तो बहुत ठंड हो रही होगी। तो यहाँ पे जो है तन्मय के कपड़े देखने लगे हैं हम लोग, उसकी शर्ट वगैरह पहले डिसाइड की, पहना कर उसको देखे। और इसीलिए दोनों बच्चों को साथ लेकर आई हूँ कि रिस्क नहीं लूँगी बिल्कुल भी साइज़ में, ऊपर से फिर कल जाने का मामला भी है तो ऐसा भी नहीं है कि चलो घर आकर चेंज कर लो, और चेंज करने से बेहतर ही है भैया बच्चों को साथ ले जाओ, पहना उड़ा कर इनको देखो। तो तन्मय का फाइनल किया, उसके बाद गुड्डू का करना था तो गुड्डू के कपड़े देखने लगे। एक इसने ड्रेस ये पहनी जो कि मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, तो इसने ये वाली ले ली। और ये जो ब्लू वाली ड्रेस है इसके गला बहुत बड़ा था और इसके पापा को तो अच्छी लग रही थी लेकिन गला बड़ा था, तो वो वाली हमने नी ली। और यहाँ पे हम फिर पहुँच चुके थे पार्लर। इस बीच जो है हम और भी दुकानों पर गए और चीज़ें देखी हमने, तो यहाँ पर पार्लर आ गए हैं और अभी जो है गुड्डू का हेयर वॉश हो रहे हैं, फिर उसके बाद इसके बाल स्ट्रेट होंगे। तो हेयर वॉश हो चुके हैं, अब इसकी जो स्ट्रेट होने परमानेंट नहीं मतलब टेम्प्रेरी जो होते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए बाल मैडम के होने शुरू हो गए हैं और कई बार ही बोल देती है मेरे को बाल कटवाने हैं, मैं गुस्सा कर जाती हूँ नहीं कटवाने, क्योंकि भाई मैं इतनी मेहनत से उसके बालों को देखती रहती हूँ। अच्छा लगता है ना माओ को अपनी बेटियों के बाल बड़े करना, बस ये है जब हो रहे हैं तो कर लो,
तो अभी जो है बीच बीच में बोलती रहती है, पता नहीं कहाँ से भूत चढ़ता है सर पे, मम्मी कटवा दो कटवा दो। पहले तो इसके पापा इसको लेके जाते थे और कटिंग करवा के ले आते थे, लंबे लंबे बाल होते थे इसके, और स्कूल से आते हुए क्या देखती थी कई बार कि इसकी कटिंग हुई रहती थी। गुस्सा करती थी मैं, लेकिन अभी मैंने कुछ समय से मना किया हुआ है कि नहीं करानी है। तो इसके बाल हो चुके हैं क्या? सब याद होगा मुझे कि कहाँ कौन क्या रास्ता कौन से में लगता है। अच्छा इधर हो, इधर हो, चल फिर आंखें बंद करके ही चल। हाँ ठीक है ना, पागल हो गए, मैं नीचे गिरूंगा बस यूं थोड़ा। अरे अरे, तो अभी हम आ गए हैं पूजा वाली दुकान पे, जहाँ से मुझे कुछ पूजा का सामान लेना है, माता के वस्त्र लेने हैं। तो सामान ले लिया है, वस्त्र देख रही थी, माता रानी की पोशाक देख रही थी, कौन सी लूँ, कान्हा जी की भी देखूंगी। तो यहाँ पे ना सब कुछ छट चुका था क्योंकि सुबह से लोग आ रहे होंगे, अभी तो शाम का टाइम हो गया, लगभग 4 बज रहे हैं। तो बड़ा सा वो हो रहा था कि यार अच्छी सी ड्रेस मिल जाती मुझे, मैंने काफ़ी ढूंढी लेकिन नहीं मिली ये वाली। फिर गुड्डू को भी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो यही ले लेते हैं, येलो कलर की। 4:30 बज गए हैं और धूप निकल गई है, अब पहले बारिश हो रही थी और कपड़े वगैरह भी हो चुके हैं इनके, और मैंने पूजा का भी सामान ले लिया है। कल नवरात्रि हैं तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और मेरे ख्याल से कल से ही रमजान शुरू है ना, तो सभी को परसों से हैं, तो जो मेरे मुस्लिम बहनें हैं उनको रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कितना अच्छा लगता है ना हमारी नवरात्रि उनके रमजान। तो अभी बस जा रहे हैं घर, और पूजा की दुकान पे बहुत भीड़ थी, सब सामान ले रहे थे, हमारा भी हो गया। गुड्डू को जो है रिक्शे से नहीं जाना था तो अपने पापा को बुलवाया फोन करके कि पापा ही जो है छोड़ कर आएंगे गाड़ी में, बाल खराब हो जाएंगे। हाँ जी बाल खराब हो जाएंगे रिक्शे में उड़ जाते। तो फिर जो है विपिन आए हैं कि चलो भाई जल्दी से छोड़ कर आओ तुम्हें, वरना मैं रिक्शे से बोल रही थी। क्या प्रॉपर्टी खरीदी है? अभी खरीदी कहाँ है, तुम्हें वो घर की बातें सुन रहा है ना, तो कह रहा हमारी में प्रॉपर्टी कहाँ है, और इसके मुझे इतना अच्छा लगा जो हमने खरीदी है। अभी खरीदेंगे, खरीदी नहीं है बेटा, भगवान जी से दुआ करो मिल जाए। तो घर देखना था एक, लेकिन ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं घर के लिए। वो घर बन रहा है, वो घर बन रहा है अभी, तो मतलब काफी हद तक बन चुका। कितना परसेंट बन चुका? मतलब लगभग 70% बन चुका है। तो शादी से आने के बाद देखूंगी, अब मैं परसों सुबह आऊंगी तब देखते हैं, अगर वो फाइनल हो गया तो हम शायद मई में शिफ्ट हो जाएंगे या अप्रैल में शिफ्ट हो जाएंगे, देखते हैं। इतनी कहना आसान है, मई अप्रैल में पैसा देना पड़ता है। हाँ नहीं हो पाएगा, तो शिफ्टिंग भी नहीं हो पाएगी। नहीं शिफ्टिंग तो हो जाएगी, शिफ्टिंग में तो हमको इनसे सारा सामान थोड़ी ना लेके जाएंगे हम। 16 थक गए यार, घर आ गए और अभी भी ना एक दो चीज रह गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम विपिन को बोला है, देखेंगे कर लेंगे वो, क्योंकि अब ना मेरे बस की नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो मुझे माता रानी का मंदिर भी साफ करना है, और मुझे जो है चौकी भी लगानी है, ताकि सुबह उठ के ना सिर्फ मैं माता रानी को नहला के स्थापित कर दूँ वहाँ, वो ना हो ज़्यादा। अब हम छुई छुई कर लेंगे थोड़ी देर, 5 बजने वाले हैं वैसे तो। कपड़े भी डाल लेते बाहर, पर कितनी देर के लिए डालेंगे, 1 घंटे के लिए, और अभी बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है। सामान सब रखा है वहाँ पे, तन्मय की जींस रात को आएगी क्योंकि वो थोड़ी कमर से बड़ी ली, तो वो पैरों साइज से भी बड़ी हुई। ये पर्स दियो गुड्डू ना, तो चलो अभी मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं बीच में जो है 40-50 मिनट सोई होंगी, 7 बज रहे हैं, और अभी किचन में आई हूँ, दूध रख रही हूँ। ये दूध मैंने ऐसे ही रख दिया था, इसके मैं बना रही हूँ मीठे जवे, और यहाँ पे मैंने ये छोले रख दिए हैं उबलने के लिए। छोले चावल खाना है जो है गुड्डू को, तन में राजमा बोल रहा था, गुड्डू छोले बोल रही थी, ढक्कन भी ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे मंदिर साफ करना है, सुबह के लिए तैयारी करनी है। इस टाइम ना मेरे को नींद सी हो गई थी, मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, तो मैं ले Thank you.
छोले चावल तो मैं बना ही रही हूँ, साथ में मैं जो है बना रही हूँ ये मीठे जवे। जवे तो नहीं है, जवे घर वाले जो बनते हैं उनको बोला जाता है। ये तो जो बनी बनाई सेवई आती हैं वर्मीसिली, वो है। इनको मैंने हल्का सा घी में भून लिया और दूध में उबाल आ गया था तब मैंने इसको डाल दिया, साथ में थोड़े से केसर भी डाल दिया था कलर के लिए, और खुशबू भी आती है टेस्ट भी आता है। साथ में इलायची पाउडर भी डाल दिया था, चीनी नहीं डाली है क्योंकि अभी ये काफ़ी बॉयल होगा पकेगा, फिर चीनी डालूंगी इसमें लास्ट में। और छोले जो है प्रेशर निकल गया था कुकर का, तो मैं छोले चेक कर रही थी कि हुए कि नहीं हुए, तो छोले भी हो चुके हैं। हल्का सा मैं उनको मैश कर देती हूँ, छोले हो राजमा हो या कोई भी दाल है थोड़ी मोटे वाली उसको। तो यहाँ पे जो है मैंने तेल भी डाल दिया है कढ़ाई में, और अब मैं तड़का लगाऊंगी छोले को। बस मैंने कहा एक बार मैं चेक कर लूँ हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई में जीरा हींग नॉर्मल जैसे मैं बनाती हूँ छोले घर में डेली में, सिंपल ही बनते हैं, कोई खड़े मसालों के साथ नहीं बनते हैं। हाँ जैसे कोई आ रहा है या स्पेशल तरीके से बना रहे हो गेस्ट वगैरह के लिए तो खड़े मसाले और थोड़ा सा रंग दे देते हैं छोलों को, चाय की पत्ती वगैरह आंवला वगैरह डालकर, तो वैसा तो कुछ नहीं था, घर के लिए सिंपल ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो है टमाटर भी कर लूँगी मैं चॉपर में ही, और चॉपर से तो एक मिनट से भी कम समय में चॉप हो जाता है टमाटर प्याज कुछ भी हो। यहाँ पर देखिए छोले बन चुके हैं, बस मैं थोड़ा सा इनको पकाऊँगी 5-7 मिनट। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, टेस्ट का पता नहीं है, टेस्ट जब बच्चे हम खाएंगे तब पता चलेगा नमक मिर्च का। कुकर रख दिया है साइड पर और वो गर्म हो रहा है, चावल छोंकूँगी उसमें मैं। आज चावल जीरे वाले नहीं बनाऊंगी, जीरे वाले बहुत कम बनते हैं हमारे यहाँ पे, तीज त्यौहार पे बनते हैं, सिंपल ही बनाते हैं। बल्कि मेरे मायके में ना जीरे वाले ही बनते हैं, तो अपना अपना रहता है सबका। तो चावल वगैरह छोंकने के बाद आ गई थी मैं मंदिर साफ़ करने के लिए। मंदिर का क्या है, पहले साइडों से मैंने सारी दीवार जो आप देख रहे हैं POP लग रही है इधर की साइड, जो वाइट पार्टीशन कराया हुआ है, ये सारा साफ़ होता है जब भी मंदिर का डीप क्लीनिंग होती है। एक क्लीनिंग क्या होती है कि हम 2-4 दिन बाद कपड़ा मारते हैं, पोंछते हैं, साफ़ करते हैं, मूर्तियाँ वगैरह वो करते हैं, भगवान जी को जिनको स्नान कराना है उनको स्नान कराते हैं, वो होता है। एक क्लीनिंग होती है ये वाली जो हफ्ते में या 15 दिन में होती है, सारी चीज़ें हटानी फिर साफ़ करना। और फिर हमारा क्या रहता है ना, हमारी फिर ये दीवारें वगैरह अभी मैं साथ के साथ करती हूँ, क्योंकि पूजा मैं करती हूँ तो मैं पूरे ध्यान से करती हूँ, औरतों का रहता ही है सभी का। लेकिन अभी बीच में विपिन ने गुड्डू ने जोत लगाई है तो वो चिकने हाथ इधर उधर लगा देते हैं, तो क्या हो रहा था ना थोड़ा चिकना चिकना सा हो रहा था, तो फिर मैंने स्पंज और साबुन लगा के इसको क्लीन करने की कोशिश की, जो कि एकदम बढ़िया रहा और एकदम बढ़िया क्लीन हुआ, एकदम मतलब चमक गया था। हाँ ये जो साइडों में दीवार वगैरह यहाँ पर इतना नहीं था, यहाँ पर कहीं कहीं था, कुछ टेप वगैरह लगाई थी तो उससे भी हो जाता है, जैसे हम सजाते हैं तो टेप के निशान भी रह जाते हैं, तो वो सब साफ़ किया। मंदिर साफ़ करने में ही 1.5-2 घंटे लग गए थे, क्योंकि साइडों की दीवारें जो है ये POP लगा हुआ है, POP है ना, PVC है, PVC, तो इसको भी फिर साफ़ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर तक हाथ भी दर्द कर जाता है। तो अभी बस हो चुका है मेरा मंदिर क्लीन, चौकी तो मैं नहीं लगाऊंगी अभी, चौकी मैं मॉर्निंग में ही लगाऊंगी। और अभी जैसे नवरात्रि हैं तो चौकी तो लगेगी, वो तो साफ़ सुथरा होके ही होगा, लेकिन जो मंदिर है वो भी पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए ना तो फिर बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। वैसे जो मेरे मंदिर का मुख है वो पूर्व दिशा में ही है, बोलते हैं ना उसी दिशा में करना चाहिए, लेकिन जो मैं चौकी लगाऊंगी वो इधर की साइड दिशा में होगा, जिधर की साइड ये मतलब आपने देखा है पहले भी उस साइड ही लगाया है, तो मंदिर हो गया है साफ। और खाना मैंने जो है लगा दिया है बच्चों का, इनका ये दूसरे रूम में बैठे हुए हैं क्योंकि इनको ठंड लग रही है, पता नहीं क्या हुआ है इनको, हवा लगी है क्या हुआ है। मैं बोल रही थी कपड़े रख गए हैं लेकिन निकाल लो बेड में से, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने ही नहीं दिए, तो हवा लगी है शायद, तो इन्होंने खाना भी वहीं खाया। और खाना पीना होने के बाद जो है ये कुछ बर्तन हुए हैं, ये बर्तन मैं साफ़ करूँगी, कुछ नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा हुए हैं। सुबह क्या होगा ना कि जैसे शादी में जाने की प्लानिंग है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सुबह के टाइम में रेडी होना, साड़ी वगैरह पहनना, साड़ी का ज़्यादा काम होता है। अगर आपने लहंगा पहनना है ना तो उसमें सिर्फ चुन्नी सेट करनी पड़ती है, लेकिन साड़ी में पूरी साड़ी सेट करनी पड़ती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सुबह सारी चीज़ों को सेट करने में। चूड़ी वगैरह मैं देखूंगी अभी रात में निकाल के रख दूंगी, और अपने लिए भी जैसे मुझे बिंदी वगैरह जो भी चीज़ें मुझे लगेगी याद आती रहेंगी वो मैं अभी करके रख दूंगी, क्योंकि सुबह में फिर उठना
अगर आप कहीं बाहर शादी में जा रहे हैं 1.5-2 घंटे का सफ़र करके, तो फिर सारी चीज़ें सुबह करना पॉसिबल नहीं होता है। उससे अच्छा क्या रहता है कि रात में आप चीज़ें करके रख दो और सुबह आप जो है फिर इतनी टेंशन नहीं होती है ना। फिर आप बच्चों को भी देखना है, चलो तन्मय को तो विपिन देख लेंगे, लेकिन गुड्डू का देखना पड़ता है, उसका ड्रेस वगैरह, उसके हेयर्स वगैरह करने थोड़ा सा रहता ही है। जब बेटियों की माँ होते हैं तो थोड़ा सा अपने साथ साथ बच्चों का भी देखना पड़ता है, बेटी का। तो यहाँ पे जो है बर्तन करे, और बर्तन करने के बाद मैं कमरे में आई, जहाँ हम जा रहे हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह जो मैंने लिए हैं उनको मैं कर रही थी। जैसे सूट्स वगैरह तो मैंने अपने पास से ही लिए हैं, और जो जेंट्स के जोड़े हैं वो विपिन से मंगा लिए थे, तो उनमें कलावर डालना और लेडीज़ के सूट में बिंदी वगैरह रखना या रुमाल वगैरह रखना, तो रुमाल तो नहीं लेकर आए ये, बिंदी का पूरा बॉक्स मेरे पास रखा हुआ था, शानू की शादी में बच गया था, तो वो यहाँ पर मैंने कहा मैं लगा देती हूँ एक एक बिंदी का पत्ता। और जैसे यहाँ पे मैंने देखा है कलावा डालते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो वो मैंने डाल दिया था। और ये जो सूट है ग्रीन वाला, ये जिनकी शादी में हम जा रहे हैं उनकी मम्मी का है, उनसे 2 रिश्ते लगते हैं, वो नंद भी लगती हैं और जेठानी भी लगती हैं। थोड़ा सा आपको ये रिश्ता कंफ्यूज कर देगा कि ऐसे कैसे ये रिश्ता है, मतलब विपिन की वो बुआ की लड़की हैं और विपिन के मामा के बेटे से उनकी शादी हुई है। अब आप देख लीजिए, तो उधर की साइड से देखें तो वो मेरी जेठानी है, इधर की साइड से देखें तो वो मेरी नंद भी लगती हैं। तो अभी जो है मैं सूट्स वगैरह कर दूंगी, जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेट कर दूंगी, एक साइड कर दूंगी, क्योंकि सुबह ना ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे रश्मि तुमने कुछ भी शॉपिंग नहीं दिखाई है, तो शॉपिंग का ऐसा है कुछ चीज़ें, जैसे मैं अपनी सैंडल लेनी थी मुझे साड़ी के साथ, हील वाली मैं नहीं ले पाई हूँ, मुझे गुड्डू की पहननी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें ऐसी रही कि जैसे मैंने सोचा दिखा दूँगी घर जा कर के, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, मंदिर साफ, खाना, फिर ये जो जैसे जिनको हमें जो कुछ देना है वो सारी चीज़ों की सेटिंग करना, तो इस सब में ही मुझे रात के 11:30 बज गए थे। फिर गुड्डू ने मुझे नेल पेंट लगाई, उसको लेटे लेटे याद आया कल पैरों में भी उसने लगा दी थी, ना लगाती तो शायद पैरों में भी ना लगती और आज हाथ में भी ना लगती, फिर सुबह लगती नहीं लगती पता नहीं, गाड़ी में बैठ के लगानी पड़ती। तो अभी वो ड्रायर से सुखा रही है क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी है और अपना जो मेकअप का सामान वगैरह है वो निकालना है, चूड़ी वगैरह मैंने निकाल दी है क्योंकि सुबह की शादी में जाना है ना, तो आपको ये सब चीज़ रात में करके सोनी पड़ेगी। और हाँ, कल ना हम हरियाणा में जा रहे हैं शादी में, शाम तक वापस आ जाएंगे क्योंकि दिन की ही शादी है, तो हरियाणा की शादी में पहली बार देखूँगी, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और अभी इस व्लॉग को एंड कर देते हैं, कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।